हाँ मोदी जी एक ही नारा है, वो है जय श्री राम। कोई जय श्री राम, राम मेरा भी भगवान है, दुर्गा भी मेरा भगवान है, सीता भी मेरा भगवान है, काली भी मेरा भगवान है। धर्म से कभी राजनीति नहीं चलता। जो मोदी ने मोदी और मोदी का जो नेता है, जो बीजेपी सरकार हो, बार बार एक ही बोलता है जय श्री राम जय श्री राम। जब आज से 10 साल पहले सीपीएम था तब तो वो नहीं कहते थे, वो कहते थे इनकलाब जिंदाबाद। जब राहुल गांधी आए तब क्या कहते थे, राहुल गांधी का भी एक नारा था, हम माँ माटी मनुष्य के सरकार है, हम माँ माटी मनुष्य के दल करते हैं, हम भी बोलते हैं वंदे मातरम। तो मोदी जी क्यों बोलता है जय श्री राम? धर्म से कई राजनीति, आप जय श्री राम नहीं, आपका पेट का खाना दीजिए, बाद में जाके आप मंदिर करिए, क्योंकि धर्म से पेट नहीं भरता, कर्म से पेट भरता है। और एक मिनट यार, बाल लग रहा है, थक गए, परेशान हो गए। नहीं, एक जी नहीं थकते हैं, 24 घंटा जो है काम, वो तो हम देखते हैं, एसी में बैठ के सब काम कर सकते हैं ना। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है 24 में चुनाव है, तो मोदी जी के साथ बंगाल की जनता जाएगी? देखिए, हम सभी को मालूम है आज हिंदुस्तान का क्या हाल है, राम को रहीम से लड़ाया जा रहा है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे इस इंडिया को कोई बचा सकता है, इंडिया को कोई सेव कर सकता है? इसका विकल्प सिर्फ एक है, वो है खुद इंडिया। हमारा इंडिया अलायंस हुआ है, आप सभी को मालूम है, इंडिया नाम का अलायंस हुआ है, वही अलायंस का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और ये बीजेपी की निकम्मी सरकार को उठाकर हम लोग मिलकर गंगा में बहा देंगे। 2024 में इंडिया जोड़ का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मोदी जी मतलब आ रहे हैं जी? मोदी जी नहीं आ रहे हैं, मैडम एक मिनट यार, बाल लग रहा है, थक गए, परेशान हो गए। नहीं, एक जी नहीं थकते हैं, 24 घंटा जो है काम, वो तो हम देखते हैं, एसी में बैठ के सब काम कर सकते हैं ना। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो है 24 का चुनाव है? भाई एक मिनट करिए, झंडा हटा दीजिए, क्योंकि कैमरा है, फिर इनका फेस साफ नहीं आएगा। हाँ, झंडा हटा दीजिए, आप भी हटा लीजिए थोड़ा। 24 में आने वाले वक्त में चुनाव है, तो मोदी जी का डंका फिर से बज रहा है? आपको लगता है मोदी का डंका बजेगा 24 में? कभी कहीं भी मोदी का डंका कभी नहीं बज सकता। विधानसभा में भी मोदी बोले थे, इतना सेलिब्रिटी जोगी को, आदित्यनाथ को, सबको जो हमारा वेस्ट बंगाल भेजे थे सेलिब्रिटी बना के, तो तब जाके बोला विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे, हम वेस्ट बंगाल लेंगे। ले सके? परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, आप दिखाइए ना। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता तो विधानसभा में तो हर घर मोदी होता, मगर विधानसभा में तो हर घर ममता है, लोकसभा में भी हर घर ममता ही रहेगा, क्योंकि दीदी ने हम लोगों के बारे में सोचा, मोदी ने हम लोगों का बारे में नहीं सोचा। कैसे मोदी ने आपके बारे में नहीं सोचा? लोगों को जो है फ्री में शिक्षा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया गया है, इस तरीके की सरकार का कहना, ये मेरा कहना नहीं है कि लोगों को हम राशन दे रहे हैं। आप पहले ये बताइए, जो उजाला गैस मोदी ने बोला कि मेरा माँ और बहन बहुत तकलीफ से चूल्हे में चूल्हा चक्की करते हैं, हम उजाला गैस देंगे फ्री में। कितने दिन फ्री में दिया उजाला गैस? एक मंथ भी नहीं दिए। बाद में जाकर मेरा पहले गैस का दाम कितना था? 450। आप जाके गैस का दाम हुआ 1250। हाँ, 200 रुपए तो ये तो आप बताइए मत। मोदी ने क्या किया? जूता मार के गोरु दान कर दिया। पहले हम लेते थे गैस 450 में, आप जाके एक लाभ से आप कर दिया 1250। ए 1250 से आप 200 काम किए, मतलब आप जूता मार के बंगाल के लोग को गोरु दान कर रहे हैं। लेकिन आप भी एक हिंदू महिला हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में। देखिए, हम हिंदू महिला है, हमारा हाथ पे शाखा पला है, हमारा मांग में सिंदूर है, हम सभी हिंदू है, जो मुस्लिम है वो भी हिंदू है, जो सिख है वो भी हिंदू है, हम जो है वो भी सिख है, जो आदिवासी माई बहने हैं वो भी हिंदू है। जात धर्म से कोई गणतंत्र नहीं चलता, गणतंत्र चलते है वो सिर्फ मानवता से चलता है। तो मोदी जी तो मानवता के ही बात करते हैं। हाँ, कहा मानवता, इतने ज्यादा मानवता के बात कर रहे हैं, इसलिए तो जो मेरा भाई बहन है, मजदूर भाई बहन है, जो 100 दिन काम के, जो आवास योजना घर, वो आवास योजना का घर वो रुक के रखा है, जो 100 दिन का काम है उसका रुपया वो रुक के रखा है। कहा मोदी जी कहा करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं फिर से हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। हाँ, तीसरी बार मोदी जी गद्दी पे बैठने वाले हैं। वो तो देश का जो आम जनता है वो तो मोदी को 24 में जवाब दे ही देंगे, विधानसभा में भी दिया है और 24 में ही दे देंगे। पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं।
नहीं, कभी नहीं। आप गुजरात में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, आप हरियाणा पंजाब में देखिए, कैसे लड़की लोगों का साथ धर्षण हो रहा है, कैसे बस में एप्टीजिंग हो रहे हैं महिला के साथ, वो तो आप कभी नहीं दिखाते। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको मीडिया करते हैं। हाँ, हमारा वेस्ट बंगाल का जो लड़की है, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं सेव हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल का हर नारी, हर माँ, हर भाई, हर बहन सुरक्षित है ममता दीदी के लिए, एकमात्र ममता दीदी के लिए। अच्छा ये बताए, आप ममता दीदी को जो है आप पसंद करती हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें राहुल गांधी और मोदी जी में, दोनों में आपको कौन पसंद है? देखिए, हम तो एक ही नारा लगाएंगे, वो है सिर्फ ममता दीदी, ममता दीदी और ममता दीदी। हम ना मोदी को बोलेंगे ना राहुल को, तो छोड़ ही दीजिए। तो इंडिया गठबंधन में तो है आप, इंडिया गठबंधन को नहीं मानते? हाँ जरूर मानते हैं, गठबंधन एक अच्छी चीज है, जो काम किए, जो अच्छा काम किए, हम मानव है, हम मनुष्य है, तो हम तो जरूर मानेंगे। सबसे बेहतर नेता देश का कौन है? हाँ, ये तो आम जनता जो है वो जब समय आएगा तब बोलेगा जो अच्छे नेता कौन है, जो पेट का भात देता है, रेशन देता है, लड़की लोगों को शिक्षा देता है, जो कपड़ा देता है, मकान देता है, वही होता है अच्छा नेता। और मेरा ममता दीदी ने कन्याश्री दिया, रूपश्री दिया, शिशु साथी दिया, शोभित साथी दिया, जो जो प्रकल्प है, जो जो प्रकल्प है सब दिया हमारा ममता दीदी ने। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो को आपने देखा और सुना है कि एक पत्रकार जो है बंगाल के अंदर उन लोगों से सवालात करता है, मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, उनमें सिलेंडर को लेकर के भी बात आती है कि मोदी जी ने सिलेंडर जो है उस पर 200 रुपये गिरा दिए हैं। आप इस वीडियो के अंदर सुनिए इस बहन ने किस अच्छे तरीके से इसको जवाब दिया है कि पहले तो जो है गरीबों को जो है चूस लिया जाता है, पहले मुफ्त दिया जाता है और सिर्फ एक महीने भी, कहती है बहन कि एक महीने भी जो है फ्री में नहीं मिला है, और फिर उसके बाद जो रेट बढ़े हैं सिलेंडर के 1250, 1150 और आज 200 रुपये घटा दिए गए, ताकि सन 24 में जो इलेक्शन होने वाला है उसको सामने रख कर के जो है अब हमारी सरकार जो है इस पर जो है 200 रुपये घटाती है और तरह तरह के खेल गोया के खेलती है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है, हमारे भारत इंडिया की जनता जो है वो जान चुकी है कि आज हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। उसमें सवाल ये भी होता है कि बहन बेटियाँ किस तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन मणिपुर की घटना वो आपके सामने है, उत्तर प्रदेश उज्जैन की घटना आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की कई खबरें आपके सामने हैं कि किस तरह से बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, सरेआम उसको नंगा किया जाता है और उसको घुमाया जाता है, उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है। आप खुद ने इस तरह की वीडियो खूब सारी आपने देखी होंगी, आप इस वीडियो को ज़रूर सुने और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।